मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे, है ना। सो गाइस, आप लोगों को इतने दिनों बाद ब्लॉग बना रही हो। अब मन ही नहीं करता, मतलब अजीब सा लगता है, थकान सी होती है, लेटे रहो बस ये सब। और आज बस मैं कुछ टाइम से आप लोग कमेंट्स आ रहे हैं जो मैंने सबकी वीडियोस में मैं देखती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, तो बस उनकी कमेंट्स का रिप्लाई दे रही हूँ कि शायद ये कमेंट्स का रिप्लाई मेरा लास्ट हो, क्योंकि इसके बाद शायद मैं ना दूँ कमेंट्स का रिप्लाई, क्योंकि शायद बेबी भी होने उसमें बिजी रहूँ मैं, उसके बाद दूँगी लास्ट। 2 महीने के लिए लास्ट होगा, उसके बाद दूँगी। पता नहीं अभी चल के आए, थक गई मैं। तो गाइस, पहले तो मैं तैयार हो लेती हूँ कि मेरा कमेंट आएंगे कैसी लग रही है, ऐसी वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ नहाने, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आपको वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद बताऊँगी क्या कमेंट्स आए होंगे, मैं क्या रिप्लाई दूँगी सबका, ठीक है। तो चलते हैं, नहीं चलते नहीं है, मैं जाती हूँ, ओके, बाद में मिलते हैं। तो गाइस, मैंने नहा लिया है और मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, ये तलवे में बड़ा तेज़ दर्द होता है। सो गाइस, आज मैं आप सबके बहुत से कमेंट्स का रिप्लाई दे रही हूँ जो लोग करते हैं। मुझे पता है आप लोग कमेंट सही करते हो, क्योंकि जो आपको दिखेगा आप उसी के बेस पे कमेंट करोगे। मुझे पता है आपकी गलती नहीं है, जो आपको लोग दिखाएंगे और जो दिखेगा आपको वीडियोस में, आप भी तो उसी के लिए कमेंट्स करोगे, उसी के लिए पूछोगे, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। पर हाँ, इतना मेरा फ़र्ज है कि मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको वो कर दूँ कि मतलब हाँ ऐसा नहीं है। अगर मैं रिप्लाई करें तभी तो आपको पता चलेगा ना, अगर मैं कुछ बोलूँगी नहीं तो फिर गलती आप मेरी समझते रहोगे और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आप तो कमेंट्स करोगे, अगर हम वीडियो डालते हैं तो कमेंट्स करने का हक भी आपको है और आप पूछने का भी हक आपको है। तो ये मुझे बुरा नहीं लगा, सच में मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैंने कहा कि मैं क्लियर तो कर लूँ अपनी बात, है ना, अभी तो क्लियर कर बता दूँ अपनी बात कि क्या बात है, कैसी बात है ना। तो चलते शुरू करते हैं गाइस। मेरी फैमिली में सभी लोग वीडियोज़ बनाते हैं, आपको पता है, सही है, और मैं सबकी वीडियोज़ में कमेंट्स देखती हूँ, सबकी वीडियोज़ में। तो उन सबकी वीडियोस में ज़्यादातर क्या 99% उनके बारे में कम कमेंट्स होंगे, मेरे बारे में ज़्यादा कमेंट्स होंगे। 99% बोल रही हूँ, स्वाति ऐसी है, स्वाति ये करती है, स्वाति ने ये नहीं किया, स्वाति ने ये नहीं किया, 99% मेरे बारे में होते कमेंट्स। मेरी वीडियो में तो होते ही होते हैं, पर अदर्स जो बनाते हैं उनकी वीडियोज़ में भी मैं ही होती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यह सबकी वीडियोस में मैं ही छाई हुई हूँ, लव यू। सो कमेंट्स आप लोग ऐसे करते हो कि स्वाति कुछ काम नहीं करती, एक ही हो गया, ठीक है, जिस टॉपिक में बोलने वाली हूँ, स्वाति कुछ काम नहीं करती है, ये टॉपिक हो गया। स्वाति की बहन बार बार क्यों स्वाति घर आती है, दूसरा टॉपिक ही हो गया, ठीक है। और स्वाति अपनी बहन से इतना बोलती क्यों नहीं है उनके ब्लॉग में, ये 3 तो पहला मैं आती हूँ, स्वाति काम क्यों नहीं करती। देखो, ब्लॉग सब बनाते हैं, ठीक है, सब ब्लॉग अपना अपना बनाएंगे, तो हर किसी के ब्लॉग में मैं नहीं दिख सकती ना, सही बात। अब मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, कितना काम कर रही हूँ, और इस सिचुएशन में हाँ मुझे पता है कि आप कहोगे कि इस सिचुएशन में काम तो करते हैं लोग क्यों नहीं करते हैं, पर एक बात आपको भी पता होगा, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का नेचर अलग होता है, हर किसी का एटीट्यूड अलग होता है, हर किसी की लाइफ अलग होती है। पर तो जो हर कोई कर सकता है कि 9 महीने में बहुत सारा काम कर लूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर सकती, मैं पहली बोल रही हूँ, मेरी बॉडी नहीं दे सकती, मेरी हेल्थ नहीं काम कर रही है इस टाइम में। मुझे पता है कि हाँ लोग पोछा लगाते हैं, बैठे बैठे पोछा लगाते हैं, जीना चढ़ते ये करते वो करते, बहुत काम करते हैं, पर मैं नहीं कर पाती, हर किसी की बॉडी अलग होती है फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं उतना काम करती हूँ जितना, हाँ मैं चलती फिरती रहती टहलती रहती हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना काम करती हूँ, ये बात ख़त्म होगी, ठीक है। दूसरी बात, स्वाति की बहन बार बार स्वाति घर क्यों आती है। तो गाइस, अब आप ये बताओ, आपकी भी बहन होगी राइट, अगर आप प्रॉब्लम में हो, है ना, आपकी घर की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आप पहले मेरे घर की सिचुएशन देखो, मम्मी जी के पैर में दर्द होता है, मम्मी जी भी इतना काम नहीं कर सकते फिर भी वो हमारी मेरी बहुत हेल्प करवाती है, उनके पैर में दर्द होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा मेरी हेल्प करवा देती है, है ना। और मेरी सिचुएशन देख रहे हो आप, मैं नहीं कर पाती, मेरे पैर में सूजन सी आ जाती बहुत ज़्यादा और मेरा दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आपके घर पर कोई काम करने वाला नहीं होगा, ठीक है, नहीं दिखेगा,
तो आप क्या करोगे बताओ? अगर कोई नहीं होगा काम करने के लिए तो आप अपने घर के किसी को बुलाओगी ना, है ना? तो फिर मैंने अगर अपनी सिस्टर को बुलाती तो मैं कौन सा गलत करती हूँ? वो आ जा, मैं बोला बुलाती हूँ, वो आ जाती है तो मेरी हेल्प हो जाती है ना। अगर मेरे पास आप ही बताओ कौन है, मैं और मम्मी हैं सिर्फ, कोई है काम करने के लिए? तो अब मैं अपनी बहन को बुलाई तो वो हेल्प मिल जाती है मुझे। आप भी किसी की बहन होगी, आप भी अपनी बहन को बुलाओगी, आपको भी तो हेल्प मिल जाएगी। अब ये अलग बात है कि आपके घर पे नौकर चाकर लगे हो, आप बहुत बड़े वो हो तो आप नहीं बुला सकते हो, पर आप मेरे घर की सिचुएशन जानते हो तो बस ये। और तीसरी बात ये कि मैं अपनी बहन से ज़्यादा क्यों नहीं बात करती, ये सब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉग में मेरा अभी इस टाइम आप सोच रहे होंगे कि अपने ब्लॉग में खूब बोलती हो, अंकुश के ब्लॉग में बहुत वो करती हो, अपनी बहन के ब्लॉग में क्यों नहीं करती हो? तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उतना ही लिमिट में करूँ उनका ब्लॉग, वो खुद अपना ब्लॉग बनाना सीखें, खुद अपना वो करें। और हमारी क्या आपस में बात है, अगर आप हम अपनी बहन से मैं अगर बात नहीं करती, अच्छे से प्यार से नहीं बोलती, नहीं हम अच्छे से रहते तो क्या वो आती? नहीं आती ना। वो भी कहती यार स्वाति बोलती नहीं, वहाँ क्या करेंगे जाके ये वो। तो वीडियो होती है सिर्फ 8 मिनट की और हमें रहना है पूरी लाइफ साथ में, पूरा दिन साथ में रहते हैं और वीडियो होती 8 मिनट की। तो उस 8 मिनट में कब क्या वीडियो बन रही है, उस टाइम पे क्या मूड हो, कैसा हो, तो उस बेस पे है कि स्वाति अपनी बहन से अच्छे से बात नहीं कर। ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं अपनी बहन से अच्छे से बात नहीं करूँगी तो वो क्यों आएंगी? अगर मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करूँगी तो आप क्यों आओगे मेरे घर पर? सही बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गलती आपकी नहीं, आपको जो ब्लॉग में दिखता है आप वही कमेंट करते हो, और करना भी चाहिए। मैं अगर आपकी जगह पे तो मैं भी यही कहती, मैं भी यही सोचती। तो बस मैंने क्लियर कर दिया, आप कहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी, कितनी समझ में आई होगी वो आपके ऊपर है। सो और मेरी बहन तो अभी यहाँ रहेगी जब तक मेरा बेबी नहीं हो जाता, और बेबी होने के बाद भी रहेगी क्योंकि मेरे साथ कोई और नहीं है काम करने वाला, वही है। तो हेल्प तो बहन ही करेगी और कौन करेगा। सो बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, और क्वेश्चन करो मैं और जवाब दूंगी।